अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे हिंसा ना करना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। यहाँ पे हिंसा ना करना एक पहला सिद्धांत है पंचशील का, जिसमें कहा गया है कि वस्तु हिंसा, जीव हिंसा ना करना। ये जीव हिंसा ना करने से भी कहीं व्यापक अर्थ हिंसा ना करने का है। केवल आप जीव हिंसा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मैं किसी धर्म विशेष का तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि वो जीव हिंसा नहीं कर रहे हैं और वो ऐसा व्यवसाय करते हैं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उनको यही व्यवसाय है कि वो मनी लैंडिंग करते हैं, और इतना क्या कहते हैं, इतना जीवन समाप्त कर ही लेता है। बल्कि आने वाली कई सारी पीढ़ियां उसी कर्ज को भरते रहती हैं। तो की उम्मीद है मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी ना। सर, आपकी आवाज थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो हेलो सर, शायद आपकी आवाज दीपक बीच में जी सुनाई पड़ रही है आप सबको। जी 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 दीपक जी की आवाज नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दीपक जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो साथियों, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कृपया आप अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, साथियों, दीपक जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, दीपक जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंचशील है, पंचशील का पालन नहीं करना एक ऐसा मीठा जहर है जिसका सेवन अच्छा लगता है, मगर उसका असर बहुत खतरनाक होता है। और डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क आप लोगों को भरोसा दिलाता है कि जिस राह पर जो ये पंचशील और भाईचारा, नैतिकता और प्रेम करुणा सहयोग का जो डेन एम्पावरमेंट आपको आपको चलने के लिए कह रहा है, वह धीमा है। धीमा हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें सीखी हैं जो शायद पंचशील के अगेंस्ट हो सकती है, पंचशील उसमें फिट नहीं बैठता होगा, तो उसको छोड़ने में थोड़ा सा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर आप धैर्य की परीक्षा मतलब जो आप जो धैर्य रखें साथियों इस मार्ग पर चलने के लिए, अंत में आप सुरक्षित और मजबूत जमीन पर खड़े होंगे, क्योंकि जो आदर्श आप ग्रहण करेंगे इस डेन एम्पावर नेटवर्क की विचारधारा के तहत, इससे आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि हमारी समस्या सभी के सामने है, और वो समस्या का समाधान केवल और केवल उद्यमिता है, और उद्यमिता के साथ साथ पंचशील है। तो साथियों, मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए आज के जो टॉपिक है, उद्यमिता में पंचशील का जो महत्व है, जो स्थान है, उसके लिए हमारे दो साथी, तीन साथी हमारे आज वक्ता के रूप में है। सबसे पहले साथी मैं श्री शोभनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा। शोभनाथ जी डेन एम्पावर नेटवर्क डेन परिवार के सक्रिय सदस्य हैं और हमेशा काम करते रहते हैं परिवार के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस डेन एम्पावर नेटवर्क के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं श्री शोभनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा। शोभनाथ जी, कृपया अपना सभी साथियों को दोबारा से परिचय देते हुए आप अपनी बात रखें, प्लीज। शोभनाथ जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जय आवाज भीम, मेरी नमो आ रही बुद्धाय है? जी। थैंक जी, आवाज आ रही है शोभनाथ सर? यू सर।
मेरा नाम सोमनाथ है, मैं कालका जी गिरिनगर में रहता हूँ और टेन एम्पावरमेंट का सदस्य हूँ। और आज का जो विषय है उद्यमिता में पंचशील या उद्यमिता और पंचशील का महत्व क्या है, क्यों पंचशील जरूरी है और ये बहुत अच्छा विषय भी है, तो इसको हम पूरा समझने के लिए दो दो मिनट मैं चाहूंगा कि उद्यमिता को पंचशील को अलग अलग समझ करके और दोनों को एक साथ हम लाते हैं तो क्या फायदा है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले उद्यमिता है, उद्यमिता का जो बेसिक अर्थ है हम समझ रहे हैं, पहले भी अभी बात हो चुकी है। उद्यमिता का मतलब है कि किसी भी तरीके से हमें जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उद्यमिता के लिए उनको देखना, उनको समझना और वो टाइम से पर जो भी चैलेंज है उनको दूर करने के लिए प्रयास करते रहना। तो उद्यमिता वैसे भी हमेशा चैलेंज भरा ही चीज है, बहुत सारे जोखिम बने रहते हैं, कई बारी तो कुछ जोखिम ऐसे भी है कि हमें पता भी नहीं होता है लेकिन वो आ जाते हैं, बहुत सारे जोखिम पहले से ही इतना रहते हैं। तो उद्यमिता में हमेशा जोखिम बना रहता है, हमेशा यही प्रयास रहता है कि ऐसे कौन कौन से चीज है, वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिनको हम अपना करके इन जोखिमों को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचशील पर, क्या पंचशील हमें इन जोखिम को कम करने के लिए या उद्यमिता को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या मदद करता है और क्यों जरूरी है, तो थोड़ा सा हम पंचशील में समझे। पंचशील सील को जो हम देख समझते हैं, सील के बारे में ऐसे बताया जा चुका है, सील क्या है, सील एक बहुत ही अपने आप में ऐसा ही शब्द है कि हमारे मन में, मन की दशा पर एक स्थायी भाव रखने वाला शब्द है। आचरण जैसे सील को समझे, आचरण व्यवहार या स्वभाव कि जो एक स्थायी भाव है और वो हमेशा अपना काम करता है। अस्थायी भाव का मतलब है कि जिसे हम मन के जो एक होता है कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों तरीके से वो प्रभाव डालता है। तो ऐसे जो चीज है वो हमेशा एक लंबे समय तक काम करते हैं। अब पंचशील है, पंचशील में जो हमें बताया गया है पांच जो शील है उनमें अहिंसा, अहिंसा के बारे में बात हो चुकी है, अहिंसा क्या तो मतलब हिंसा ना करना। तो अहिंसा केवल इतना ही नहीं है, हिंसा ना करने का मतलब इतना ही नहीं है कि किसी तरीके से चोट पहुंचाना, या अगर इसको बहुत ज्यादा तरीके से समझे तो मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम ना करना कि जो दूसरे के लिए नुकसान कर रहा है। अब ये जब दूसरे को अगर नुकसान नहीं करेगा तो उल्टा फिर हम क्या देखेंगे, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो वो फिर हमें फायदा ही करेगा। दो ही चीज हो सकता है अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, या तो वो कुछ ना कुछ तो असर डाल रहा है, अगर वो दूसरे को नुकसान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जब फायदा कर रहा है तो हमें भी फायदा कर रहा है, साथ में साथ दूसरे को भी फायदा हो रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा है, वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक प्रूफ है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है तो वैसे भी ये समाज के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। दूसरा है सत्य बोलना, सत्य बोलना हमेशा ही सत्य है, सत्य हमेशा सत्य ही है, सत्य झूठ बोल करके कोई भी परेशानी होता है मुसीबतें मोल लेता है, तो ये भी सत्य बोलना भी एक बहुत अच्छा चीज है। तीसरा जो चोरी ना करना, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। चौथा जो सील है व्यभिचार ना करना, व्यभिचार को भी थोड़ा सा और ज्यादा समझें। व्यभिचार ना करने का मतलब है कि किसी भी तरीके से जो मेन भाव है इसका इंद्रिय पर नियंत्रण, अपने जो इंद्रिय हैं कि जो गलत चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, जरूरत से ज्यादा जो चीजें उन पर ध्यान ना दे जाना, उनके लिए कोई प्रयास ना करना, वही चीज करना कि जो हमारे लिए और हमारे वर्तमान में समाज के लिए ज्यादा अच्छा है,
वो उसका पालन करना, व्यभिचार से बचना है। पांचवा जो है मादक द्रव्यों का सेवन से बचना, ये एक है बुद्ध का जो सबसे केंद्रीय भाव था, उनमें एक सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा जागृत रहना, होश में रहना। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो हमें निष्क्रिय कर देते हैं, जो हमें अमूर्छित कर देते हैं, उनसे बचना, क्योंकि जब जब हम सोए हैं, निष्क्रिय है, मूर्छित है, अर्धमूर्छा की अवस्था में है, तो हम जो अपना जागरण है उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, होश को हमेशा नहीं बनाए रख सकते हैं। और अगर हम होश में है, जागृत है, तो ये निश्चित है कि ये भी एक हमारा स्थायी भाव है कि होश में बने रहने पे कोई भी गलत काम नहीं होता है। हम होश में रह करके चाहे कि कुछ भी गलत करें तो वो उसी हमें रोक देती है, असंभव है कर पाना। तो जो ये पांच सीन है, ये वास्तव में अगर इनको हम ले करके उद्यमिता में इसको पालन करते हैं, तो एक ये अस्थाई ऐसी चीज है कि उद्यमिता के जो रिस्क फैक्टर है उनको सही समय पर समझ लेने में, उस रिस्क को कम करने के लिए जो भी डिसीजन है, निर्णय लेने में हमें बहुत आसानी होती है। तो इनके साथ में अगर हम बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ये मानना है कि पंचशील का पालन करते हुए हम उद्यमिता को आगे बढ़ाएं, तो धीरे धीरे और एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, समय के साथ में ये मजबूत होता रहेगा और सफल रहेगा। धन्यवाद साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया है उद्यमिता में पंचशील का महत्व। साथियों, मैं अगले साथी को लेने से पहले बाबा साहब की एक बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे प्यारे बेटे गंगाधर का बीमारी के कारण निर्धन हुआ, तब उसकी देह मृत देह को ढकने के लिए, कफन लाने के लिए लोगों ने मुझसे पैसे मांगे, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तब मेरी पत्नी रामू ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया और हम गंगाधर को शमशान ले गए। मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी के जो दिन देखे हैं, वे भारत के किसी नेता ने नहीं देखे हैं। फिर भी मैंने गरीबी के कारण कभी भी अपने आत्म सम्मान और अपने आंदोलन को कभी पीछे नहीं हटने दिया। ऐसी गरीबी में भी मैंने अपने आप को किसी के हाथ बिकने नहीं दिया। साथियों, बाबा साहब ने अपने परिवार तक को बचाने के लिए, उनके पास कभी धन इकट्ठा नहीं हो पाया, उनकी पत्नी माता रमाबाई जो मतलब बहुत बीमारी के कारण वो मर गई, उनके चार चार बच्चे बीमारी के कारण वो इस दुनिया से चले गए, मगर बाबा साहब उनको बचाने के लिए एक मतलब डॉक्टर की फीस तक उनके पास नहीं हो पाई, फिर भी बाबा साहब को एक उद्यम किया। उद्यम क्या किया साथियों? उन्होंने अपने घर परिवार से आगे बढ़ के इस पूरे देश को अपना परिवार बनाया, और इस परिवार, इस देश में जो दबे कुचले लोग थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, साथियों उनके लिए उद्यम किया, उनके लिए लड़े, जीवन भर लड़ते रहे और एक उद्यम स्थापित किया, जिसके तहत आप और हम लोग सम्मान से जीवन जी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। ऐसा उद्यम क्या वो मतलब जो है हम भी क्या उस मार्ग पर चलने के लिए चल सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बाबा साहब की तरह नहीं कर सकते, पर बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारते हुए उस मार्ग को आगे बढ़ाए। तो साथियों, उद्यम में जो पंचशील है, इसके जो महत्व समझाने के लिए मैं अगले आज के साथी श्री रविंदर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रविंदर जी, कृपया अपनी बात रखें। श्री रविंदर सिंह कोठारी जी। जय भीम सर। भीम सर, थैंक यू, धन्यवाद आपने मुझे अनुमति दी बोलने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी है बुद्ध के समय की और आनंद के बीच में, कि जो बुद्ध थे उसमें स्त्रियों का जो हमारा संघ है उसमें प्रवेश नहीं था बुद्ध के उस समय।
जानने के लिए स्त्रियों को महिलाओं को मनाई थी। तो एक दिन स्त्री बहुत सारी इकट्ठा होके गई बुद्ध के पास कि हमें भी आपका भिक्खु बनना है और हमें भी जो ज्ञान का रास्ता अपना के आपके माध्यम से हमें ज्ञान का रास्ता को चयनित करना है और आगे बढ़ना है। तो बुद्ध ने उन्हें मना कर दिया कि मैं स्त्रियों को अपने संग में नहीं जोड़ूंगा, आपको भिक्खु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस समय व्यवहारिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय क्या हुआ कि वो महिलाएं काफी दूर से चल के आई हुई थी और ऐसे कोई साधन भी नहीं थे जो आज टेक्निकली लोग हम बड़े बस हैं, संसाधन है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो पथ के माध्यम से ही वो चला करती थी। तो वो चलते चलते चली गई बहुत काफी दूर। तो उनको जो बुद्ध की मौसी है गोमती, उन महिलाओं की जब उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों परेशान हो। तो गोमती ने उनको बोला, गोमती को उन लोगों ने बोला कि हम बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और बुद्ध ने हमें मना कर दिया कि हमें ऐसी आप लोगों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन गोमती भी बोली कि नहीं, हमें तो बुद्ध से शिक्षा लेनी ही लेनी है। तो उन जितनी भी महिलाएं थी और उन्होंने गोमती ने क्या किया कि अपने बाल भिक्खु की तरह एकदम मुंडवा के और वस्त्र धारण करके वो वहां पे चली जाती हैं बुद्ध के पास कि नहीं, हमें आपकी शिक्षा ग्रहण करनी है। और उस समय क्या हुआ कि उस समय भी बुद्ध ने उन शिक्षाओं के लिए मना कर दिया कि मैं व्यावहारिक परिस्थिति के कारण आप लोगों को शिक्षा ग्रहण नहीं करा पाऊंगा। तो फिर वो महिला निराश होकर चली जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं रास्ते में उनको आनंद, जो बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, टकराते हैं। तो आनंद उनसे सवाल करते हैं, उन महिलाओं की जब स्थिति उन्होंने देखी तो उनके पैरों में इतनी सूजन थी, काफी दूर से चल के आई थी और निराशा थी। तो आनंद से उन्होंने बोला कि हम बुद्ध के पास गए थे और शिक्षा धारण करने के लिए हमने बुद्ध से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने हमें मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं आनंद फिर उनको वापस बुद्ध के पास लेके जाते हैं कि चलिए मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करता हूँ। और बुद्ध से जब आनंद ने बात की तो बुद्ध का फिर उत्तर वही था कि मैं महिलाओं को जो है ना शिक्षा ग्रहण नहीं कराऊंगा क्योंकि व्यवहारिक परिस्थिति ऐसी है। तो उस समय आनंद ने बुद्ध को जो उनके विपरीत जो उत्तर दिया, उनसे पूछा कि बुद्ध मेरा एक आपसे सवाल है कि इसका कारण क्या है कि व्यवहार और सिद्धांत में ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसे व्यवहार और सिद्धांत में परिवर्तन लेके आना चाहिए जिसमें आप कहते हो एक तरफ तो कि मैं मानव और पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, और आप एक तरफ कहते हैं कि मैं महिलाओं को जो है ना शिक्षा ग्रहण नहीं कराऊंगा। तो समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। अगर हम समय और परिस्थिति को देखें तो हमें अपने सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। और इस परिवर्तन और सिद्धांत को उस समय बुद्ध ने, जो आनंद ने उनसे बात कही, उसको अपनाया और उस दिन से महिलाओं को जो है उसमें भिक्खु बनने की, जो संगठन में शिक्षा ग्रहण करने का अनुरूप उनको मिल गया। तो ऐसे ही जब हमारी 15 मार्च को सर ने, जब डॉक्टर प्रवीण सर ने हमारी क्लास ली थी, जब ऑर्गेनाइज अपना उद्यमिता का जो प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस समय ये बात भी रखी थी। और बीच बीच में जैसे सर हमारी सिविल सर्विस के लिए क्लासेस लेते हैं तो सर बोलते रहते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुकूल हमें उस समय अपना व्यापार हो या हमारे पंचशील है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हमें उस समय का अनुकूल अपना फायदा उठाना आना चाहिए। कैसे कि भाई आज जो वर्तमान समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का समय है, और हमें सर ने कहा अगर कोई आप इस समय जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन हमारे आ रहे हैं, हम पोल्यूशन से बड़े प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो सर ने कहा था कि हमें जो है ना अगर कोई बिजनेस अपना करना चाहता है तो इस समय आने वाले 10 साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए हमारा इलेक्ट्रिक जो बिजनेस है, बैटरी का जो बिजनेस है, वो बड़े अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो उस समय आनंद ने बुद्ध से सवाल कहा कि देखो समय सिद्धांत व्यवहार में हमें परिवर्तन करना चाहिए, वैसे ही समय अनुकूल की परिस्थिति के अनुसार हमें अपने बिजनेस को भी मॉडिफाई करते रहना चाहिए ताकि हमें उस बिजनेस में लॉस भी नहीं होगा और हमारी प्रगति में और उन्नति होती जाएगी। ऐसे ये हमें पंचशील के माध्यम से या बुद्ध के वक्तव्य के माध्यम से हमारी ऐसी बुद्ध की जो सोच है वो हमारे उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाने में मदद करता। ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुकूल बुद्ध को पहले ही इंफॉर्मेशन थी कि देखो वो आज
और आज से 2500 वर्ष पहले की बात बुद्ध ने पहले ही कह दी थी कि इन फ्यूचर में कभी हम ऐसा करेंगे तो हमें समय और परिवर्तन का फायदा उठाना आना चाहिए। कैसे फायदा? ऐसे नहीं कि हम लोगों को नुकसान पहुंचा के, जो हमारे पंचशील के सिद्धांत है उनको फॉलो करके, ताकि मैं झूठ ना बोलूं। और सर ने अभी कहा था, सोमनाथ सर ने भी कहा था और दीपक सर ने, भीम सर ने भी, कि झूठ ना बोलना एक सील का, ये भी एक सील में है। तो हम जैसे सर ने, दीपक सर ने कहा कि जो हमारा पंचशील का सिद्धांत लिया 1959 की बात की, चाइना और हमारे रिलेशन के, तो आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हम एक क्या करते हैं, अंडरटेकिंग में हम एफिडेविटी ले लेते हैं, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, क्योंकि बुद्ध को उस समय ऐसा लगा कि लोगों में झूठ बोला जाता है, लोग झूठ बोलते हैं, तो इस विचार को पहले ही उन्होंने रख दिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसी झूठ को बढ़ावा बचाने के लिए, लोगों में एक आपस में जुड़ाव बनाने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हमारा जो एफिडेविट, हम कहीं ना कहीं आपस में एक अंडरटेकिंग कर लेते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जो टर्म ऑफ कंडीशन है उस समय, पता नहीं तुम बदलो ना बदलो, अगर ये टर्म कंडीशन ऑफ रिटर्न रूप में रहेंगी तो आप झूठ बोलने से भी बच सकते हो। ये आधुनिकता की ओर बुद्ध के विचार, जो पहले अगर प्राचीन में देखें और आज देखें तो आज भी वो विचार इम्प्लीमेंट होते हमें नजर आ रहे हैं, ऐसे बुद्ध के पंचशील के सिद्धांतों में देखने को मिला है। दूसरा, एक बुद्ध की परिमिता है दान परिमिता। अगर हम दान परिमिता को देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे से डेफिनेटेड किया हुआ है कि हम जैसे डॉक्टर परवीन सर है, अगर वो अधिकारी आज हैं तो वो अधिकारी बाद में बने हैं, अगर उनकी पहले शिक्षा देखी जाए तो सर एक मेडिकल डॉक्टर हैं। अगर उस मेडिकल डॉक्टर की परिस्थिति को मैं बुद्ध के विचारों के अनुकूल देखता हूं तो हम एक हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, और जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, आई डोनेटेड, हम जो आंखों का जो है दान करते हैं, और दान परिमिता से ही लिया गया है आई डोनेटेड। जो आई डोनेट का हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो दान परिमिता से ही आया है, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार ही पढ़ा है कि वो बुद्ध ने कहा कि दान करो, वस्त्र दान करो, धन दान करो, लेकिन अपनी आंख भी दान करो। तो वो ही भारत सरकार का जो कॉन्सेप्ट आज लेके आ रहे हैं कि हमारा जो आई डोनेटेड का प्रोग्राम है वो भी हमारी बुद्ध की दान परिमिताओं से लेके आया हुआ है। जो देख लो आज हम कहां हैं, आज हम आधुनिकता 2022 में चल रहे हैं, और पीछे से 2500 या 2600 वर्ष पहले देखे जाए तो बुद्ध के विचार दान परिमिता कब की थी, उस समय की थी, और वो विचार आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज भी हमारे संविधानिक प्रावधान में और हमारे पंचशील में बुद्ध के विचार वर्तमान में, और यहाँ ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पंचशील एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सिद्धांत है कि कहीं भी अगर पंचशील नहीं होंगे तो वो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपसी संबंध हो, कहीं ना कहीं उनमें आपस में टकराव रहेगा, जुड़ाव नहीं होगा। जैसे परवीन सर ने कहा था कि ये बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस, जो हम एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो है पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, इसमें जो समूह का जो चयन बनेगा, लोगों की जो कनेक्टिविटी बनेगी, एक वैचारिक जो लोगों के पास सोच जाएगी, तो उस सोच के माध्यम से बुद्ध के विचार भी आगे प्रकट होंगे, प्रगति होगी और विकसित होंगे, बुद्ध के विचार भी पहुंचेंगे, और उन विचारों से अगर हम चाहें तो हमारा जो उद्यमिता है, जो हमारा बिजनेस प्रोग्राम है, वो भी कहीं ना कहीं प्रगति करेगा, उससे हमारी भी और समाज की भी उन्नति होगी। और बात यही, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो डीपीएसपी में ये आर्टिकल 40 से ऊपर के, चाहे पंचायती राज हो, चाहे आर्टिकल 44 हो या आर्टिकल 47 हो, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, सील है कि नशा नहीं करना, नशा मुक्त रहना, तो हमें देखा गया है कि हमारे आर्टिकल 47 में भी ये बात इंगित की गई हुई है कि आर्टिकल 47 हमें मना करता है कि हमें कुछ भी ऐसे नशे के पदार्थ का सेवन नहीं करना जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं खराब साबित हो। तो बुद्ध के विचार कहे और 2500 वर्ष पहले और आज भी वर्तमान में हमारे संविधान में भी, और अगर हम जहां से भी संविधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी देखो, चाहे वो अमेरिका हो या यूएई हो या कोई भी कंट्री हो, एनीबॉडी, तो वहां पर भी ये सिद्धांत, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि वैज्ञानिकता की सोच। अगर हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, या हमारे डीपीएसपी पढ़ेंगे, या हमारे जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए पढ़ेंगे,
जो हमारे मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य का भी सील में हमारा जिक्र किया हुआ बुद्ध ने कि हमारे जो कर्तव्य होने चाहिए किसी से दुराविचार के नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का स्वयं का कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने साथ साथ हमारे समाज की और हमारे देश की उन्नति कैसे की जाए। तो वो उन्नति को देखते हुए, उस मूल कर्तव्य को देखते हुए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखते हुए, आर्टिकल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे डीपीएसपी है, ये कहीं ना कहीं बुद्ध के विचार हमारे आधुनिकता में भी आज खरे उतरते हैं और वर्तमान में भी। समय देखो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, अगर आज हम पड़ोसी देश को अपने देखें, चाहे आप श्रीलंका को देखें या हम पाकिस्तान को देखें या चाइना को देखें, तो आज चाइना की जो श्रीलंका की जो स्थिति चाइना के हालात में देखी जाए, तो वो पड़ोसी देश जो हमारा बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है और पाकिस्तान भी बड़ी गंभीर परिस्थितियों का जूझ रहा है, तो परवीन सर ने हमें जब हम आईआर हमें पढ़ा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी दोस्त अगर आज गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी मदद आगे बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज हम मदद नहीं करेंगे तो कल फिर वो हमसे मदद करने आएगा और उस लेने के लिए आएगा, और उस समय बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वो उस समय की परिस्थिति हमारे अनुकूल भी नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरिया, उसका ब्राउड परेशानियों का जो दायरा है वो बढ़ चुका होगा। इन परिस्थितियों को सोचते हुए तो बुद्ध के जो विचार है कि अगर कोई दुख है या दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, हम इन पंचशील के माध्यम से उन दुख के कारण को जान के उसका निवारण भी तत्प्रभाव से कर सकते हैं। ऐसे हमारे बुद्ध के पंचशील और उद्यमिता का जो रिलेशन है आपस में, यही हमारे व्यापार में भी कहा गया है कि हमें आपस में जुड़ाव करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं वर्तमान में, तो मैंने कुछ अभी, हमारा आपस में जुड़ाव इसलिए होता है क्योंकि हमारे वैचारिक जो विचार है ना, वो आपस में जुड़ते हैं, मेल खाते हैं आपस में। 3-4 दिन पहले ही मैं गया कि कुछ मुझे सामान परचेजिंग करना था, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे विचार के आदमी हैं और ये मेरी मदद करेंगे कि भाई सामान तो मुझे परचेज करना ही है, तो मैं क्यों ना अपनी जानकारी से लूं, क्योंकि मुझे सामान भी अच्छा मिलेगा और मुझे थोड़ी बहुत कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब मैं उनके पास गया तो वो उनके बेचारी ऐसे थे, उनके विचार ही बदल गए कि उन्होंने जान पहचान तो छोड़ो, उन्होंने अपने सामान में भी मुझे ठगने की कोशिश की। तो हमारे जो व्यापार, जो हमारी उद्यमिता है, हमें ऐसे व्यापार को करना है, क्योंकि व्यापार आज हम जब रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए ही चलेगा, ये लॉन्ग टाइम का प्रोसीजर है। हेलो जी सर, रविंदर सर, समय का भी ध्यान रखें क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, प्लीज। ठीक है सर, मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। रविंदर सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें समझाया है कि बौद्धकालीन जो समय था, जो पंचशील है, उससे हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। तो साथियों, बहुत बहुत साधुवाद रविंदर सर का। साथियों, मैं अगले साथी से आज क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। साथी भारती जी आज हमारे बीच में है, वो अपनी बात रखने वाले थे मगर समय की का आज अभाव है। अगले सेशन में हम भारती जी से जरूर सुनेंगे भारती जी के विचार। मगर साथियों, हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम एक सभ्य देश के नागरिक हैं, हम विश्व की जो टॉप सभ्यता है उनमें सबसे सभ्यता भारत देश की सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय वो सभ्य इसलिए विकसित हुई, इसलिए जो टॉप में रही कि वहां पे पंचशील का पालन किया जाता था। वहां पे कभी किसी से कुछ लिया तो उसका वापस भी किया जाता था, या अच्छा उद्यम स्थापित किया गया और बिल्कुल सील के साथ स्थापित किया गया। इसलिए हम लोग विश्व की टॉप सभ्यता के देश के नागरिक हैं। साथियों, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क ये काफी लंबे समय से एक उद्यम स्थापित कर रहा है कि हम अपने देश के जो वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं, हम उनको शिक्षा में सहयोग कर सके। हम लोग रोजगार स्थापित कराने के लिए उद्यम स्थापित उद्यम की क्लास शुरू करवा रहे हैं। हम लोग और भी बहुत सारे काम करते रहे हैं। तो साथियों, ये मैं बोलना चाहूंगा, क्या ये
उद्यम है या नहीं है। अगर उद्यम है तो हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम लोग सही दिशा में जो काम चल रहा है उसमें अगर हम साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सही मार्ग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए साथियों, समय का अभाव है, डेंट परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आज उद्यम में पंचशील का जो स्थान है उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी का, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी साथी, चाहे रविंदर, दीपक, शोभनाथ जी, सभी ने अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। और निश्चित रूप से जो जो सशक्तिकरण की ये हमारी मुहिम है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम लगातार सशक्त हो रहे हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं। और जो ये वैचारिक सशक्तिकरण है, ये हमारे सबके, हम सबके जीवन में जीवन भर काम आने वाला है। तो मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हम जो ये एक शुरुआत है, जो तथागत बुद्ध ने विचारों का एक नए तरीके के विचारों की शुरुआत की, एक नई समझ की शुरुआत की, उस समझ को ठीक तरीके से चला पा रहे हैं। चाहे हम बहुत सारे लोग नहीं हैं, परंतु हम अपने सशक्तिकरण, एक एक करके सशक्तिकरण की बात करें तो अगर हम 10 लोग भी सशक्त होते हैं तो उस सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने अपनी बातों को रखा और मैं आप ही लोगों की बातों को दोबारा से दोहराऊंगा कि जैसा आप लोगों ने बताया कि पंचशील, असल में हम उसको बहुत साधारण तरीके से समझें तो पंचशील हमारे उद्यम और सशक्तिकरण को का रास्ता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए कहें कि तथागत बुद्ध हमें बताते हैं कि हमें अहिंसा नहीं, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा से परहेज करना चाहिए, किसी को चोट पहुंचाने से परहेज करना चाहिए, चाहे हम अपनी वाणी के जरिए से चोट पहुंचाते हों, चाहे अपने किसी काम के जरिए से फिजिकल चोट पहुंचाते हों, तो किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने से किसी हमें परहेज करना चाहिए। तो अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करें तब हमें दिखता है, जब हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते और उसकी बजाय एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो समुदाय है, हमारी जो कम्युनिटी है, समाज है, वो लगातार मजबूत होता है। लगातार हम एक दूसरे के काम आते हैं और हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि हाँ, हम दूसरे की सहायता करें, उसको चोट ना पहुंचाएं और चोट ना पहुंचाकर कुछ ऐसा करें जो उसके लिए अच्छा हो, जो उससे उसको लाभ हो। चाहे हम अच्छी बात करके वो काम करें या कुछ अच्छा काम करके, कुछ सहयोग करके, किसी भी प्रकार से एजुकेशन देकर, कोई आर्थिक सहायता देकर या किसी के काम में कोई सहायता देकर, इस प्रकार से हम एक दूसरे के काम आते हैं और जिससे हम सबका जो सशक्तिकरण है, हम सबका जो मजबूत होना है, हम और मजबूत होते हैं, सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तथागत बुद्ध ने हमें सत्य की बात कही है कि हमें सच बोलना चाहिए, किसी दूसरे की चीज को नहीं लेना चाहिए। अब अगर इसे उद्यम में लागू करें तो निश्चित रूप से एक ऐसा देश, ऐसा समाज जहां सच्चाई हो, कोई भी समुदाय जहां सच ना बोला जाता हो, जहां एक दूसरे का सामान चोरी किया जाता हो, ऐसे समाज में उद्यम का पनपना बहुत कम हो जाएगा। हर कोई हर एक दूसरे से डरा हुआ रहेगा कि भाई मैं इसको, जैसे हम कोई सामान देते हैं, हम किसी को सहायता के लिए पैसे, धन उधार देते हैं कि भाई आप पैसे रख लो या ये मेरा सामान है, आप इस्तेमाल कर लेना, जब आपका काम हो जाए आप हमें वापस कर देना। तो ऐसे में हम जब ये संस्कृति जहाँ होती है तो वहाँ पर आदान प्रदान होता है और हमारी इकोनॉमी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ठेठ इकोनॉमी में भी, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पर काम करता है। लोग एक दूसरे से चीज़ें ज़्यादा ले पाते हैं। और एक कारण हम अपने समुदाय में भी देख सकते हैं, विशेष रूप से वंचित समुदाय में, जहाँ पर इस बात का महत्व कम करके आंका जाता है सत्य का, कि ठीक है किसी का लिया दिया, हमारा लेना देना क्लियर नहीं होता है, तो उसके कारण बहुत बार समाज में हम इस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं।
हो सकता है मेरे पास कोई सामान हो जो किसी दूसरे के उपयोग में आ सकता हो, परंतु वो मेरे लिए आज आवश्यक नहीं है, परंतु मैं उसको तब भी नहीं दूंगा केवल इस भय के कारण कि भाई पता नहीं जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ सत्य होता है, तो वहाँ पर होता है कि आदमी एक दूसरे का, भाई मैंने आपसे सामान लिया था, ये मेरा टाइम हुआ, आप अपनी चीज़ को वापस ले लीजिए। तो जहाँ धोखाधड़ी नहीं होती है, जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ झूठ नहीं होता है, वहाँ उद्यम अपने आप पनपता है। और हम सबको इस बात पर विवेचना बहुत गहराई से करनी चाहिए कि क्या वंचित समाज में जो उद्यम नहीं है या उद्यम कम है, उसका एक कारण सत्य या इसका ना होना तो नहीं है। कहीं हम झूठ के चक्कर में, धोखाधड़ी में हमें ऐसा लगता हो कि नहीं, किसी के पैसे लिए तो क्या हुआ, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम वापस नहीं करेंगे इससे हमें नुकसान होगा। उद्यम में जब आप जाएंगे तो उद्यम में एक बहुत जरूरी चीज है, वो है ट्रस्ट, भरोसा। तब जब समुदाय में भरोसा होगा तब वो समुदाय अपने आप अच्छा उद्यम कर सकेगा। तो मैं ज़्यादा अपनी बात को लंबी नहीं करूँगा, और मैं अपने साथियों से जिन्होंने बोला था, मैं उनसे पुनः निवेदन करूँगा कि वो मेरे कुछ सवाल रहेंगे, तो मैं उन सवालों के माध्यम से आपकी समझ को समझने की, और हम सब उस आपकी समझ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या ये प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर अनुमति होगी हमारे संचालक महोदय की? प्लीज सर, प्लीज। यस सर, जरूर सर। तो रविंद्र, मेरा सवाल सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रविंद्र, आपको कैसे लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे, जब आज के जमाने में हम ये मानते हैं कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ऐसे समय में हम उद्यम के लिए कैसे मान सकते हैं कि जो सत्य का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, वो उद्यम के लिए अच्छा मार्ग है? सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज जो हम पैसे को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारी प्रक्रियाएं हम पैसे से पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम एक ह्यूमन है तो हमें वैचारिकता को, अपनी सच्चाईता को, लोगों, अगर मान लीजिए आप व्यापार में ही जा रहे हैं, आप उद्यमिता हैं और आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो आप उस प्रोडक्ट को अपने लोगों में पहुंचाने के लिए, उसकी सेल आउट करने के लिए, कुछ ना कुछ उसकी अच्छाई के जो गुण होंगे वो जरूर बताएंगे। अगर वो अच्छाई जो आपने उस समय अच्छाई बताई है उस प्रोडक्ट की, अगर वो उस प्रोडक्ट उन अच्छाइयों के अनुकूल उतरता है, तो लोग उसे जल्दी से सेल करेंगे, उसको परचेजिंग करेंगे। और वो जो के आपने एक टर्म ऑफ कंडीशन रख दी कि देखो जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के अनुकूल मैं ये आपके पास जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है और वो भली भांति उसके अनुरूप उतरा है, तो लोगों आप पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आप जो बुद्ध का मध्यता का विचार है, माध्यम है कि हम मध्य भाग में चल के, हाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से सत्यता भी नहीं अपनाई जा सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसके बिल्कुल विपरीत चले जाएं। तो हमें ऐसा ना करके दोनों चीज को फॉलो करना है कि हमारी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और हमारी जो सर्विसेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हमें जब अच्छे से लोगों के बीच में जाएगी, तो निश्चय ही लोगों का भाव पैसे कमाने के लिए हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको भी महत्वता देंगे कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो उसके अनुकूल है, तो हमें इनसे जुड़ना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रविंद्र, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को रखा कि क्यों महत्व है सच्चाई का, क्योंकि जो ट्रस्ट है, जब हमने किसी बात को कहा, हमारा जो प्रॉमिस है वही हमें सफल उद्यमी बनाता है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बात को रखा कि बाजार में अपनी पकड़, और इस बात से हमें नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए, सच्चाई के साथ भी बाजार में, इनफैक्ट जो जो उद्यमी, जो दुकानदार सच्चाई के साथ काम करते हैं, आप देखेंगे कि वो लंबे समय में अच्छा व्यापार कर पाते हैं। आप जैसे फिक्स प्राइस शॉप होती है, तो जहाँ फिक्स प्राइस शॉप होती है, आपको वहाँ से सामान लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा संतोष लगता है। जबकि जहाँ जिन दुकानों पर बार्गेनिंग होती है, जिन दुकानों पर मोल भाव हो जाता है, वहाँ से परचेज करते समय
आपको एक भय रहता है कि कहीं मैंने चीज अपना सामान महंगा तो नहीं खरीद लिया। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सोमनाथ जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, और ये सवाल ये है कि हम कहते हैं कि उद्यमिता का मतलब है गला काट लड़ाई। तो आप इस गला काट लड़ाई के समय में कैसे उद्यमिता या कैसे पंचशील को अपना सकते हैं? हाँ जय भीम सर जी, ये बिल्कुल सच है देखने में उद्यमिता का मतलब कि गला काट लड़ाई, लेकिन ये बाहर से देखने में सच है, अंदर से वो उतना सच नहीं है। दो परिपेक्ष होता है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। व्यापार का मेरे समझ से जो एक बहुत बड़ा सार्वभौमिक सत्य है, बोथ आर गेनर, जो दोहरा हित, दोहरे हित की जो बात होती है, वो एक केंद्रीय सत्य है। हम इसको अगर देखें कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं, एक को फायदा हुआ, और हमेशा कोई भी, चाहे व्यापार में उपभोक्ता है, व्यापारी है, व्यापारी अपना ही हित देख रहा है, उपभोक्ता का हित निगलेक्ट कर रहा है, तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। और व्यापारी अपना हित भी देख रहा है और उपभोक्ता का भी हित देख रहा है, दोनों का जो बोथ और गेनर का थोड़े हित की जो परिकल्पना है वो चल रही है साथ साथ में, तो वो निश्चित ही आगे बढ़ेगी। भले ही वो देखने के लिए लगेगी कि ऐसा लग रहा है कि हमें लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ इनविजिबल ऐसे लाभ है उसको मजबूत कर रहा, आगे बढ़ता रहेगा। और गला काट का मतलब ठीक है, वो तो यही है कि वो मुर्गी वाला जो एक कहानी होती है कि 30 अंडा देगी और वो एक ही दिन में सारा ले लेना चाहेगा, तो ना एक ही मिलेगा ना वो 30 में मिलेगा। दूसरा है कि पंचशील में जो भी पंचशील का सिद्धांत है, ये बोथ आर गेनर कॉन्सेप्ट को, दोहरे हित के परिकल्पना को पूरी तरीके से मानता है। हम सत्य बोल रहे हैं तो सत्य का मतलब है कि सत्य का लाभ हमें भी हो रहा है, अगले को भी हो रहा है। झूठ बोले तो झूठ बोल करके थोड़े समय के लिए हमें लगा कि हम अपना फायदा तो कर लिए, लेकिन सामने वाले का तो नुकसान बिल्कुल है, और अल्टीमेटली वो सामने वाले का नुकसान भी हमारे ऊपर नुकसान हो गया। तो ये जो दूसरा होता है नुकसान का, वो हमें ही मिल जाएगा। और हिंसा है, हिंसा भी इसी में है, हम हिंसा से ठीक है थोड़ा अपना फायदा कर लिए, लेकिन अगले को नुकसान कर रहे हैं तो ये उसको फायदा नहीं हो रहा है, अल्टीमेट हमारा ही नुकसान होगा। तो पंचशील का बिल्कुल ही बहुत स्पष्ट है कि साथ साथ में हम अपना फायदा ले रहे हैं और दूसरे का फायदा कर रहे हैं, और ये अवधारणा अगर चलती है तो ये रुकेगी नहीं। दिख जाए ऐसा है कि थोड़े समय में उठ रही है, धीरे धीरे उठ रही है, अभी हम थ्रू किए और अभी खले देखने लगे कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, नुकसान हुआ है, फायदे नहीं दिख रहा है, तो वो हमारा धैर्य है वो टूट सकता है, उसको बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन लंबे समय में किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा, ये मेरा मानना है सर। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सोमनाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और जहां तक गला काट लड़ाई की बात है, मैं ऐसा देखता हूं कि सबसे अच्छे एसोसिएशन, हम जितने भी अच्छे एसोसिएशन देखेंगे तो सारे एसोसिएशन हमें बिजनेसमैन के मिलते हैं, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे CII, फिक्की, ये बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके हैं। छोटे छोटे एरिया में भी आप देखेंगे व्यापार संगठन बने हुए हैं, जो बाजार वाले संगठन बने हुए हैं, तो बाजार में निश्चित रूप से हर व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ कम्पीट करता है, परंतु उसके साथ साथ वो एक दूसरे का साथ भी देता है। हमें इस बुनियादी चीज को समझना है कि एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें सबको साथ दौड़ना है, और जब हम एक साथ दौड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई थोड़ा आगे निकलता है, कोई थोड़ा पीछे रहता है, परंतु हम दौड़ते हुए भी सबके एक साथ है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उद्यमिता में एसोसिएशंस का, संगठनों का बहुत बड़ा महत्व है। आप छोटे से छोटा उद्यमी देखें और बड़े से बड़े उद्यमी देखें, जहां भी उद्यम है वहां पर संघ या समुदाय, संगठन जरूर होगा, बिना संगठन के उद्यम चलाना संभव नहीं है।
तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कतई गला काट लड़ाई नहीं है, ये केवल प्रतियोगिता है, कंपटीशन है और उस प्रतियोगिता में हम सबको भाग लेना चाहिए। इस प्रतियोगिता से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए, मैं अगले साल नंबर लेकर आऊँगा। इस साल मेरी सेल थोड़ी सी कम हो गई, दूसरे की बढ़ गई, अगले साल मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे की सेल घटाऊंगा, मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा, अपना व्यापार और बढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा शोभनाथ जी। आखिरी सवाल मैं दीपक से पूछूंगा और शायद मुझे लगता है उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करने का समय भी होगा। दीपक, आपने एक बात रखी थी जो बात बीच में आपकी टूट भी गई थी टेक्निकल कारणों से, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। मेरा सवाल ये है कि जो हिंसा है या अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें क्या रोल हो सकता है? हिंसा का और अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि थोड़ा प्रश्न जटिल है, आप आराम से सोच के भी बता सकते हो। दीपक जी की वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, हेलो। हाँ दीपक जी, वॉइस ब्रेक हो रही है सर दीपक जी की, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं एक ये दीपक आपकी आवाज ना दीपक जी आप दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इस प्रश्न का जवाब अगले सेशन में भी दे सकते हैं अगर नेटवर्क सही हो जाए तो। दीपक, हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं सहमत हूँ भीम सिंह जी के सुझाव से कि हम इस प्रश्न को आप अगले सेशन में इस पर अपना पक्ष रखिएगा कि आप कैसे समझते हैं अहिंसा का, और हमारे बाकी साथी भी जो जैसे नशाखोरी है तो नशाखोरी की जो बात तथागत बुद्ध ने पंचशील के माध्यम से हमें सिखाई है तो उससे उसका उद्यम पर क्या फर्क पड़ सकता है या व्यभिचार का क्या फर्क पड़ सकता है, तो हमारे बाकी साथी इन मुद्दों पर अपने विचार रखें। जी साथियों, जैसा कि साहब ने दो प्रश्न किए साथियों से कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और दूसरा प्रश्न किया था कि जो आज का जो माहौल है, जो गला काट जो लड़ाई चल रही है कि सामने वाले को जितना मर्जी नुकसान हो जाए मेरा फायदा हो जाए, ऐसे में हमारे पास भी बहुत सारे डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के पास भी बहुत सारे ऐसे इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जब इस ये ऐसा माहौल चल रहा है कि तो फिर डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एजुकेशन का कार्यक्रम कर पा रहा है, कैसे उद्यमिता के कार्य को जो है आगे बढ़ा पा रहा है, कैसे ये जो नैतिक शिक्षा का कार्य आगे बढ़ा पा रहे हैं, कैसे भाईचारा प्रेम और करुणा के सहयोग को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो साथियों, बहुत सारे लोग इसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं कि डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क एक माहौल बना रहा है, एक चेहरा अपना चमकाने की कोशिश कर रहा है, कोई लालच है डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क को, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि तो साथियों, मैं उन सभी साथियों को एक बात जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क लाल का छोटा सा लालच है, वो लालच राजनीति नहीं है, वो लालच चेहरा चमकाना बिल्कुल भी नहीं है, वो लालच धन कमाना बिल्कुल भी नहीं है, वो लालच क्या है, वो लालच है अपने समाज को, वंचित समाज को सही दिशा देना, अपने समाज में उद्यम स्थापित करना। और साथियों, उद्यम का मतलब ही संगठन होता है। अगर हम अपने समाज में, अपने वंचित समाज में एक डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का संगठन स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं तो साथियों, ये लालच कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा लालच है अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए, उस उन लोगों को जिनको कोई पूछता तक भी नहीं है, सिर्फ यूज करते हैं राजनीति के रूप में, उनके पैर तक छुए जाते हैं, उनके घर मतलब जो है बहुत कुछ होता है साथियों, मगर उनको उनके उनके बच्चों को नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को डीपीएस और जीडी गोयनका जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, उनके बच्चों को आईएएस पीसीएस अधिकारी बनने का मार्ग नहीं दिखाया जाता,
मगर साथियों डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क ये कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ईमानदारी से साथियों ये कर रहा है, तो एक लालच है कि अपने समाज में अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का। उद्यम का मतलब एक संगठन साथियों जो सही मार्ग दिखाने वाला संगठन है उस तरफ ले जाने का, जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, सहयोग हो, भाईचारा हो, प्रेम हो साथियों, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का रास्ता मतलब एक विचार पैदा हो सके, ये हमारा डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क का लालच है। इससे इसके अलावा साथियों डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क का कोई लालच नहीं है। कोई साथी डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, अगर किसी को लगता है कि ये डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क गलत काम करता है, हमारा कोई लालच नहीं है साथियों कि हम यहाँ भीड़ इकट्ठी करें, वो जा सकता है। अगर डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क की विचारधारा जिसको सही लगती है कि डेन सही है, सही मार्ग पर है, उसका साथियों डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क दिल से स्वागत करता है, वो आए स्वयं डेन के लिए काम करें, वो स्वयं डेन बन जाए। साथियों मैं बस अपनी बात यही समाप्त करूंगा। आप सभी साथियों ने आज उद्यमिता और मैं जो पंचशील का जो महत्व है उसकी बात कही, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जी कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है रखे प्लीज। जी सर। हाँ सर अनुमति है प्लीज। हाँ सर, इसके एक बुद्ध के समय में क्या, जब बुद्ध वैशाली में घूमने के लिए निकले तो वन विहार करने के लिए निकले, तो उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन, व्यापारी, शिक्षाविद और समाज सेवी और बहुत सारे अधिकारी उनको एकदम चारों तरफ से बहुत के बुद्ध आ रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं तो उनकी हम विचार सुनेंगे और जानेंगे। तो उसी में एक आम्रपाली जो थी, अब ये सारे व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, अधिकारी हैं, राज परिवार से भी लोग आए, सब कहीं ना कहीं इनका तबका बहुत उच्च था, लेकिन जो आम्रपाली थी वो एक पिछड़े ऐसे समाज से आती थी कि उस समय वो नाचने का काम करती थी, तो लोगों की नजरों में वो बड़ी बुरी लगती थी कि इसका जो घृणा की नजरों से उनको वो देखते थे। वो उन लोगों को कहना है कि जो बड़े अपने आप को बड़ा उच्च समझते थे, लेकिन जब बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहां सब पहुंचे और वो भी आम्रपाली भी वहां आ जाती हैं, तो बुद्ध ने उन सभी को तवज्जो ना देके उस जो आम्रपाली थी जिसको घृणा से लोग देखते थे उसका बड़ा वेलकम किया। उसने जो सवाल पूछे उनका जवाब भले भली भांति से दिया, तो लोगों की सोच में जो भी भावनाएं हैं वो रहने दीजिए, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अपना कारोबार जो बुद्ध के विचार हैं, बाबा साहब के विचार हैं या महापुरुषों के विचार हैं, ये तो डेन एम्पावरमेंट की एक पहल है। अगर मान लीजिए डेन एम्पावरमेंट को अपना नाम भी करना है तो क्यों ना करें भाई, उसका कारण है आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। अगर यही हम कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग दिल्ली में कहीं जाके या इलाहाबाद में हम जाके लेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आएगी, प्लस रहना खाना खर्चा अलग होगा। अगर मैं परवीन सर हमें मुझ वंचित समाज के बच्चों को या और भी जो भी वंचित समाज के बच्चे हैं उनको ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही है तो हम उनके गुणगान क्यों ना करें भाई, मैं तो दिन रात करूंगा सर, ये तो मेरा अपना मानना है। तो ऐसे ही जैसे आम्रपाली को घृणा की नजरों से देखा जा रहा था और बुद्ध ने उनको देखा कि ठीक है, लोग इसका काम उस समय गलत होगा, कुछ परिस्थिति रही होगी कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए नाचने गाने का काम करती थी, लेकिन आज जब वो जिज्ञासु हो गई है, उस वंचित पिछड़े समाज को आज जिज्ञासा आ गई है कि मुझे भी एजुकेशन की तरफ मूव करना चाहिए, जो संविधान में वर्णित हमारे अधिकार हैं उनसे हमें उनका हक हमें मिलना चाहिए, तो ऐसे ही हक अधिकार बुद्ध ने उस आम्रपाली को दिए और उसकी बात सुनी और देखा कि नहीं, अब इसकी जिज्ञासा जाग चुकी है, अब जो है इसके गलत कार्य जो थे उसने वो छोड़ के त्याग दिया है और अब वो बुद्ध की शरण में आ गई है और अपने वक्तव्य से लोगों की सेवा करेगी और अच्छे माहौल में रहेगी, तो उसका भी बुद्ध की नजरों में ऐसा चरित्र जो अच्छा हो गया है कि लोगों ने उसकी घृणा को पॉजिटिविटी में बदल दी, एक सकारात्मक की सोच आई है। तो डेन एम्पावरमेंट जो यहाँ परवीन सर के माध्यम से या उनकी टीम के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वो बुद्ध के विचारों को फैला रहे हैं, उस वंचित पिछड़े समाज को विकसित कर रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट के बुरे
कार्य को देखते हुए उसको अच्छे कार्य में सकारात्मक नेगेटिविटी को खत्म करके वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ प्रवीण सर को या डैन एम्पावरमेंट को या उनकी टीम को कि मैं तो उनके ऐसे गुणगान करूंगा क्योंकि वो मुझसे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कुछ नहीं ले रहे, मैं कुछ पे नहीं कर रहा। तो मैं अगर अपने माध्यम से उनके इन विचारों को फैला सकता हूं, उनकी तारीफ कर सकता हूं कि डैन एम्पावरमेंट भी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा जो इंस्टीट्यूट है कि लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से वो लोगों को बुद्ध की विचारधारा से जोड़ता है, एजुकेशन के लिए मूव करता है। ISPCS या मेडिकल के डॉक्टर, MBBS, BMS या BHMS या टेक्निकल में बीटेक लोगों को तैयार करता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ डैन एम्पावरमेंट को और उनकी टीम को, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो इसमें बुद्ध के विचार से कहीं भी कुछ गलत नहीं है, वो लोगों की सोच है। वो आज भी लोगों ने बुद्ध का भी क्रिटिसिज्म किया, बाबा साहब का भी किया, साहब कांशीराम का भी किया, आज भी लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का ऐसा अपना व्यक्तिगत हित जुड़ा रहता है जो बाद में वो अच्छा कार्य करने वालों को दोष देते हैं। जय भीम सर। जय भीम रविंदर सर। अगली क्लास का भी समय हो रहा है साथियों, तो आज की अगर आप सभी साथियों की इजाजत हो तो मैं आज के संवाद को यहीं समाप्त करने के लिए डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से इजाजत लेना चाहूँगा। सर, क्या आज के संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं? जी, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आपसे बात करनी थी तो अभी थोड़ी बात में कर लेंगे। शोभनाथ जी, मैं आपको कॉल करूं 1 बजे के बाद? हाँ, जब आप फ्री होंगे सर। ठीक, थैंक यू सर।